इमरान न्याजी साहब ने और उनकी जमात ने जिस मजहबी इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाने के लिए सियासी जगह दी, आज उसी आग को जिसे भड़काया था उसके शोलों में इमरान खान साहब का दामन भी जल गया है। अगर पाकिस्तानी मुआशरे में अदम बर्दाश्त को हम फरोग देंगे, अगर पाकिस्तान के अंदर हम नफरत पे मबनी सियासत करेंगे तो फिर इंतहा पसंदी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन पूरी पीटीआई ने उस वाक़े की मजम्मत करने की बजाय उस वाक़े को अवाम के जज्बात की और उमंगों की तर्जुमानी करार देते हुए सनद कबूलियत देने की कोशिश की थी। अगर पाकिस्तानी मुआशरे में अदम बर्दाश्त को हम फरोग देंगे, अगर पाकिस्तान के अंदर हम नफरत पे मबनी सियासत करेंगे तो फिर इंतहा पसंदी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप पिछले चार सालों में 2018 के बाद अगर सियासत के मंजरनामे का जायज़ा लें तो इमरान खान साहब ने मुसलसल नफरत अंगेज़ सियासी बयानिए को प्रमोट किया है। उन्होंने अपने हमायतियों की आंखों में जुनूनियत पैदा की है। उन्होंने अपने मुखालफीन के लिए बदतरीन ज़बान इस्तेमाल की है। उन्होंने अपने मुखालफीन के ईमान को चैलेंज किया है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।